नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम इंडोरामा सिंथेटिक इंडिया लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने से पहले या उसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप इस स्टॉक का सेक्टर देखेंगे टेक्सटाइल का, इंडस्ट्री है टेक्सटाइल का। अगर आप इस स्टॉक का मार्केट कैप देखेंगे 1492 करोड़ के आसपास है एंड इस कंपनी के पास जो रिजर्व कैश है 312 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 57 एंड लास्ट ट्रेडिंग डे में यहाँ पे स्टॉक का प्राइस लगभग 9% ऑफ था। अगर बुक वैल्यू देखेंगे 22 के आसपास एंड प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे बन रहा है 2.61 का। प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं 75% के आसपास, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। हायर प्रमोटर होल्डिंग मीन्स प्रमोटर का फेथ है कंपनी के ऊपर। इंडस्ट्री पी चल रहा है 24, स्टॉक का पी अवेलेबल नहीं है क्योंकि अर्निंग्स इसका कॉन्स्टेंट नहीं है। कभी कभी अचानक से 100 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट दे देता है, कभी कभी नेक्स्ट क्वार्टर में ही लॉस डिक्लेयर कर लेता है। प्रॉफिट तो जनरेट कर रहा है लेकिन कॉन्स्टेंटली हर क्वार्टर जनरेट कर नहीं पा रहा है। अगर आप डेप्ट इक्विटी देखेंगे 1.55, जो कि थोड़ा सा हायर साइड के ऊपर है। किसी भी स्टॉक में डेप्ट इक्विटी एबव 1 आप वहां पे रेड फ्लैग कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न यहां पे 23.6%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न यहां पे 38%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न यहां पे नेगेटिव। इसका मीनिंग है कि लास्ट 1 ईयर से स्टॉक का प्राइस यहां पे एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अगर अभी हम इसका क्वार्टर टू क्वार्टर अर्निंग्स देखेंगे तो देखिए जून 21 में लगभग यहाँ पे सेल्स था 700 करोड़ के आसपास एंड अभी जून 23 में सेल्स है 770 करोड़ के आसपास एंड सेल्स यहाँ पे पीक हुआ था 1252 करोड़ के आसपास है। आप यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ लगभग फ्लैट मान सकते हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए कंपनी तो प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर रहा था लास्ट 7-8 क्वार्टर से, लेकिन यहाँ पे जून 23 में लॉस डिक्लेयर किया है -55 एंड दिसंबर 22 में -68 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट थोड़ा सा लास्ट 3 क्वार्टर से डाउन हुआ है। नहीं तो प्रीवियसली 7-8 क्वार्टर से में एक कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, जो कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे पीक था 107 करोड़ के आसपास मार्च 22 में। अभी हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। देखिए यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग है 75% के आसपास, FI के पास 0.17% होल्डिंग है जो कि नेग्लिजिबल है। DI यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 3% के आसपास, जिसको आप पॉजिटिवली कंसीडर कर सकते हैं एंड पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 22% के आसपास। अगर पब्लिक कैटेगरी में बिग इन्वेस्टर देखेंगे तो देखिए बिग इन्वेस्टर यहाँ पे अराउंड 12% होल्ड कर रहे हैं। अगर पब्लिक कैटेगरी में होल्डिंग देखेंगे 22% माइनस कर देंगे 12%, जो कि बिग इन्वेस्टर यहां पे इन्वेस्टेड है। तो रिटेल के पास ओनली माल है 10% के आसपास, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन बिलो 20% आप उसको पॉजिटिवली कंसीडर कर सकते हैं। अगर मार्केट का सेंटीमेंट ठीक रहता है एंड मार्केट में तेजी से सप्लाई नहीं आता है, स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है एंड इसमें स्ट्रांग चार्ट सेटअप देखने को मिल रहा है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं किस टाइप का सेटअप शो कर रहा है। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने देखिए जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है इंडोरामा सिंथेटिक्स लिमिटेड का। टाइम फ्रेम सेलेक्ट हुआ है वीकली, जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए हैं कि प्राइस हमेशा से एक चैनल को फॉलो करता है। अगर ऊपर जाएगा अप ट्रेंड चैनल, नीचे आएगा डाउन ट्रेंड चैनल, कंसोलिडेशन करेगा फ्लैट चैनल। क्लियर कट देखिए प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा था, जो कि डाउन ट्रेंड चैनल यहाँ पे स्टार्ट हुआ था नियरली 2004 से। 2004 के बाद देखिए लगातार प्राइस इस चैनल को यहाँ पे फॉलो कर रहा था एंड फाइनली 2021 में प्राइस जो उसका मल्टीयर का डाउन ट्रेंड चैनल था यहाँ पे उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर से देखिए ये जो ग्रीन लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, ये लेवल था एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जब भी प्राइस इस रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा था प्राइस को सप्लाई मिल रहा था। पहले तो देखिए प्राइस मल्टीयर का रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है, जो कि लेवल था नियरली 44 के आसपास। उसके साथ प्राइस देखिए वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो चैनल को फॉलो कर रहा था उसको भी ब्रेकआउट कर दिया है एंड जिस टाइप का सेटअप दिखाई दे रहा है प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में कॉन्टिन्यूशन मूव आ सकता है, अगर उसका प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करता है तो। अगर प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर देगा तो आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो आपका रिस्क प्रोफाइल के अनुसार आप वहाँ पे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हर ट्रेडर का रिस्क प्रोफाइल के ऊपर एंड कैपिटल साइज के ऊपर। आप चाहेंगे तो फास्ट स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं,
नहीं तो सेकंड स्विंग लो को फॉलो कर सकते हैं। आपका जो भी रिक्स है उस हिसाब से किसी भी स्विंग लो के नीचे वीकली टाइम फ्रेम में आपका स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो को होल्ड कर लेता है तो आने वाले टाइम में प्राइस यहाँ पे 92 को टेस्ट कर सकता है एंड नेक्स्ट लाइफ हाई जो यहाँ पे बन रहा है 105-110 तक भी जा सकता है एंड उससे ऊपर भी जा सकता है जब भी स्टॉक का प्राइस में मल्टीयर का ब्रेकआउट आ जाता है। तो एक बार इस स्टॉक को आपके रडार में रखिएगा, आपका रिस्क रिवार्ड क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा एंड आपका रिस्क एपेटाइट के अनुसार किसी भी स्विंग लो के नीचे आपका एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।